नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा जो 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान विपक्ष अग्निपथ योजना, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग भी होनी है, जिसके नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। पैगंबर पर विवादित बयान देने के लिए नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि देश भर में अशांति फैल गई है, देश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार नुपुर ही है। उन्होंने अपने बयान से देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। कोर्ट ने उन्हें टीवी पर आकर देश से माफी मांगने को कहा है। महाराष्ट्र में कुछ दिनों से चल रही सियासी संकट गुरुवार को खत्म हो गई। हालांकि नई सरकार का गठन और मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे नाम से बीजेपी ने सबको चौंका दिया। इस कड़ी में देवेंद्र फडणवीस की भूमिका रही। पहले उन्होंने सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान किया और कहा कि वे सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन महज 2 घंटे के अंदर ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फैसले को पलट दिया है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। उद्धव ठाकरे की सरकार ने मुंबई मेट्रो के लाइन 3 के कार्ड शेड को आरे कॉलोनी के बदले कांजुर मार्ग ले जाने का फैसला किया था। शिंदे की सरकार ने इस फैसले को पलटने की दिशा में पहला कदम उठाया है। ईडी ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 कारोबारी वैभव जैन और अंकुश जैन को गिरफ्तार किया है। दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं में पकड़ा गया है। एजेंसी ने इस जांच के तहत पिछले महीने जैन के व्यावसायिक सहयोगी होने के आरोप में दोनों पर छापा मारा था। सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। श्रीनगर पुलिस ने एक स्पेशल इनपुट के आधार पर लश्करे तैयबा के 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया है। पुलिस और सेना ने सनत नगर चौक रंगरेट रोड क्षेत्र में छापेमारी की, उसी दौरान ये सफलता मिली। दोनों से पूछताछ के बाद पापोर इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा गुरुवार को जैवलिन थ्रो में एक बार फिर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। स्टॉकहोम में चल रहे डायमंड लीग में अपने पहले ही प्रयास में 89.94 मीटर दूर भाला फेंका, उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को बिहार दौरे पर आ सकते हैं। राजधानी पटना में जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री का दौरा होने के कयास लगाए जा रहे हैं। 12 जुलाई को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह का समापन है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी शिरकत कर सकते हैं। बिहार विधानसभा प्रशासन फिलहाल पीएमओ से मंजूरी का इंतजार कर रहा है। राजधानी पटना के सिविल कोर्ट परिसर में एक बम के फटने से अफरा तफरी मच गई। जो बम फटा उसे एक पुलिसकर्मी ही कोर्ट लेकर पहुंचा था। हादसे में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर आई है, जिसे आनन फानन में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। दूसरी ओर कोर्ट में बम विस्फोट होते ही अभियोजन कार्यालय में धुआं ही धुआं हो गया। लोगों की भीड़ परिसर में जुट गई। बारूद बरामद हुआ था पटेल छात्रावास से, उसी को जांच कराने के लिए आदेश लेने के लिए सिविल कोर्ट गए थे। उसी पर बिहार समेत पूरे देश में शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू हो गया है। हालांकि बिहार में कारोबारियों के एक वर्ग ने सरकार से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध 6 महीने के लिए टालने की अपील की है। वहीं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष अशोक कुमार घोष ने कहा है कि सरकार ने पहले ही ऐसे कारोबारियों को विकल्प अपनाने के लिए पर्याप्त समय दिया था। बिहार में एक आरजेडी विधायक को अपना वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। विधायक जी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया है। फेसबुक पर विधायक जी ट्रोल हो गए हैं, क्योंकि वीडियो में उनकी हरकतें अजीबोगरीब दिख रही हैं। मामला मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक डॉक्टर अनिल सहनी का है। बिहार के गोपालगंज में एक भाई ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही भाई को एसिड से जला दिया। घायल भाई डॉक्टर है, उसका चेहरा, बाल और गर्दन बुरी तरीके से जल गया है। इस बड़े वारदात की वजह हैरान करने वाली है।
महज 5 किलो आम के विवाद में भाई का रिश्ता कलंकित हो गया। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हमीदपुर गांव की है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया गया है। राज्य में 334 डॉक्टरों और पदाधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, जिसमें 11 सिविल सर्जन शामिल हैं। पटना के सिविल सर्जन को भी बदल दिया गया है। पटना की सिविल सर्जन रही डॉक्टर विभा कुमारी को क्षेत्रीय अपर निदेशक पटना प्रमंडल बनाया गया है। उनके स्थान पर डॉक्टर कमल किशोर राय पटना के नए सिविल सर्जन बनाए गए हैं। आलिया भट्ट इन दिनों लंदन में है, जहां वह अपनी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। आलिया लंदन में करण जौहर, आदर जैन और उनकी वाइफ के अलावा रीमा जैन के साथ वक्त बिता रही हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हैं। आलिया ने हाल ही में अपनी प्रेगनेंसी को लेकर फैंस को गुड न्यूज सुनाया है। आलिया की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हैं, जिसमें वह फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कुछ शानदार पलों को एंजॉय करती दिख रही हैं। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।